आज विवेकानंद की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी जी की प्रतिमा जो कि जोधपुर में गौरव पथ के सवित सर्कल पर स्थित है, वहां पुष्प अर्पित किए और विवेकानंद केंद्र के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी को याद किया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा जोधपुर की ओर से स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। पिछले 32 वर्षों से विवेकानंद केंद्र जोधपुर में कार्यरत है और स्वामी जी के संदेशों को अन्य जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की गई। गुरुवार को एबीवीपी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि 13 से 15 जनवरी तक सिकारगढ़ में होने वाले इस आयोजन में 1000 से ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। जोधपुर में यह प्रांत अधिवेशन 8 साल बाद हो रहा। एबीवीपी के प्रांत अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने बताया कि इस 3 दिवसीय अधिवेशन में चुनाव प्रक्रिया होगी, साथ ही 2 प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजे जाएंगे। इसमें पहला प्रस्ताव राजस्थान में सामाजिक व आर्थिक स्थिति और दूसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्तमान स्थिति पर होगा। 3 दिन तक होंगे कार्यक्रम। वहीं 13 तारीख को शाम 4 बजे उद्घाटन सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एबीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य ममता यादव होंगे। 14 तारीख को शाम 4 गांधी मैदान में एबीपी के शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो घंटा घर पर आकर सभा में तब्दील होगी। 15 तारीख को इस अधिवेशन का समापन सत्र होगा। घंटाघर परिसर के अंदर समापन होगा खुला अधिवेशन के रूप में। वहाँ पे प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा भाषण होगा जो आने वाली राजस्थान के अंदर किस तरह से कार्यशैली रहेगी उसको लेके क्या मंथन होगा उस। और इस अधिवेशन के रूप मोटा मोटा विषय रहेगा हमारा राष्ट्रीय नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर क्रियान्वयन के लिए किस तरह से धरातल पे इसको उतारा जाए उसके ऊपर मंथन होगा और राजस्थान का परिदृश्य को लेके प्रस्ताव भी कुछ पारित होंगे। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर क्रियान्वयन राजस्थान का परिदृश्य है और राजस्थान के अंदर कानून बिगड़ती कानून व्यवस्था ये महिला सुरक्षा को लेके ऐसे कुछ विषयों के ऊपर कार्यकर्ताओं द्वारा मंथन चलेगा। और 3 दिन का ये प्रांत अधिवेशन है और बहुत बहुत स्वागत है आने वाले प्रतिनिधियों का हमारे जोधपुर महानगर के अंदर होने जा रहे हैं 8 वर्षों के बाद। इससे पिछली बार 2015 में हुआ था और 15 तारीख को समापन सत्र होगा 4:30 बजे। इस ये मोटी मोटी रचना है और इस अधिवेशन के हमारे स्वागत अध्यक्ष रहेंगे, स्वागत समिति अध्यक्ष होते हैं घोषणा है उसमें स्वागत समिति अध्यक्ष के रूप में हमारे समाज सेवी मनोहर लाल जी पुंगलिया जो स्वागत समिति के अध्यक्ष रहेंगे, समाज सेवी है और पुंगलिया उसके लिमिटेड के प्रबंधक है, प्रोफेसर है और आप प्रांत अध्यक्ष के नाते हमारे सभी मार्गदर्शन करते हैं। वैसे आपसे आग्रह करूंगा ये 2 मिनट ये जो 58वां प्रांत अधिवेशन है जैसे अविनाश जी ने बताया 3 दिन चलेगा। कार्यकर्ता आज 12 तारीख को ही शाम को आ जाएंगे और 13 से सुबह से पूर्ण रूप से जो गतिविधियां चलेगी इसमें चुनाव जो वार्षिक चुनाव होते हैं वो चुनाव भी होंगे, चुनाव समिति बनी हुई है, चुनाव पर्यवेक्षक बने हुए हैं वो चुनाव होंगे और सभी गतिविधियां छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी आवश्यक गतिविधियां हैं वो होगी। इसके अतिरिक्त हम 2 प्रस्ताव पारित करेंगे। ये प्रस्ताव एक तो राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य अर्थात राजस्थान की वर्तमान की क्या स्थिति है जिसे समाज जीवन में हमारा क्या हस्तक्षेप रहा है या क्या प्रभाव पड़ा है, और दूसरा प्रस्ताव शिक्षा पे होगा। तो शिक्षा पे जो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसका क्रियान्वयन कितना हुआ और शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वो स्थिति क्या है, क्योंकि नकल प्रकरण और ऐसे विभिन्न ऐसे प्रकरण हो चुके हैं जिसके कारण समाज में एक बहुत असंतोष व्याप्त है, तो उसका भी प्रस्ताव होगा। ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। 1000 प्रतिनिधि आएंगे और प्रतिनिधियों में छात्राएं शिक्षक और छात्र तीनों होते हैं हमारे जो संगठन की जो कार्य पद्धति उसमें, तो लगभग 150-200 छात्राएं आएगी और 700 के करीब छात्र और 100 के करीब शिक्षक आएंगे। इस तरह 3 दिन का ये अधिवेशन है और स्वागत समिति का निर्माण हो गया है और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी अभी जैसे अविनाश जी ने बताया आ रहे हैं, तो हम जोधपुर जैसे परंपरा है भोजन की तो अच्छा भोजन कराएंगे
अच्छा व्यवस्थाएं अच्छी ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है शिकारगढ़ में, उसमें ये अधिवेशन हो रहा है। शिकारगढ़ उनके जो डायरेक्टर है शैतान सिंह जी, उनका भी धन्यवाद जो उन्होंने हमें ये बड़ा परिसर उपलब्ध कराया, और जोधपुर का धन्यवाद जो स्वागत के लिए जोधपुर।